नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा बहुत बड़ा बयान निकल कर सामने आ रहा है भारत के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा बयान, पूरी बयान की चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक संकट के चलते हुए जब भारत निष्क्रिय दिखा और चीन सक्रिय दिखा, यानी कि चीन मामले को सुलझाने के लिए आया लेकिन विफल लौटा, तो उसके बाद में जब भारत का स्टेटमेंट आया कि हम इंटरनेट मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उसी के बाद यहां पे केपी शर्मा ओली का बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आया। केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत की रणनीति जो निष्क्रियता दिखा रही है, जो किसी प्रकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, मुझे लग रहा है कि यह सबसे अच्छी नीति हो सकती है, क्योंकि चीन नेपाल की गंदगी को सुलझाने आया था, कोशिश करी थी लेकिन फिर भी वो नाकाम रहा। बड़ी बात यह है दोस्तों कि नेपाल के पीएम ने स्पष्ट कहा कि चीन नेपाल की गंदगी को सुधारने आया था। क्या नेपाल में इतनी गंदगी है? क्या यहाँ पे नेपाल इतना खराब है? केपी शर्मा ओली के इन बयानों से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या नेपाल में पॉलिटिक्स करप्शन बहुत ज्यादा है? ये भी सवाल उठता है, जबकि चीन इसे कैसे सुधार सकता है? आई थिंक कि यहाँ पे ये गलत बोला गया है कि गंदगी को सुधारने आए थे। गंदगी को अगर सुधारना भी है तो नेपाल खुद सुधार सकता है। लेकिन वहीं केपी शर्मा ओली ने बहुत बड़ा बात कर दी कि जो भारत निष्क्रियता दिखा रहा है इस मामले में, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो उनका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं आपको कि किसी प्रकार की अगर बात करें, देश का मामला है, किसी प्रकार का चाहे राजनीतिक मामला हो चाहे किसी प्रकार का घरेलू युद्ध तक हो जाए, लेकिन कोई भी दूसरा देश उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसा किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप को रोकने के लिए 1950 में एक वांडूंग सम्मेलन हुआ था, जिसमें साफ कहा गया था कि आप किसी भी देश के इंटरनल मामलों में, अफेयर में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते बिना उनकी इजाजत, और अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो यह बहुत बड़ी गुनाह हो सकता है। जी हां दोस्तों, भारत ने ऐसा ही किया, वो किसी प्रकार के इंटरफेयर में नहीं आए, लेकिन उनका इंटरनल मामले में चीन घुस आया और यही उनका नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ गया। लोग बहुत सारे गुस्से में हुए, कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अपने घरेलू मामले ही नहीं सुलझा सकते? बात तो यह भी है दोस्तों, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई नेपाल पर जब चीन आया। लेकिन यहाँ पे केपी शर्मा ओली तो कुछ और ही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि गंदगी को सुलझाने आ रहे थे। सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या अगर गंदगी है, पहली बात तो ये है कि नेपाल में मुझे नहीं लगता इतनी गंदगी है, लेकिन अगर है तो भी क्या नेपाल खुद सक्षम नहीं है यहाँ पे अपनी गंदगी को सुधारने के लिए, जिससे कि उसे चीन को बुलाना पड़ा? तो दोस्तों सवाल तो काफ़ी खड़े होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम इतना ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।